मैंने उसे बात करने के लिए घर वालों से चोरी मोबाइल रखा था। रात दिन उसी से बात करती रहती थी। फिर यूं हुआ कि मुझे और मेरी फैमिली को बाहर के मुल्क मेरे अब्बू के पास जाना पड़ा। वहां जाकर भी मेरा रابطہ उसे खत्म नहीं हुआ और मैं दिन रात मुसलसल उसी से बात करती रहती थी। और फिर एक दिन मेरे घर वालों को पता चल गया। मुझे मेरे घर वालों ने बहुत मारा और मेरा मोबाइल भी छीन लिया। मैं वहां से जिद करके वापस आ गई। मैं वापस पहुंचते ही रात को उसे मिलने चली गई। मेरी सारी फैमिली को पता चल गया। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की कि मुझे घर नहीं जाना, वो लोग मुझे बहुत मारेंगे और शायद मुझे जान से भी मारते हैं। उसने कहा, तुम घर जाकर हमारी शादी की बात करो। मैं जब घर गई तो मेरे घर वालों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, बस मुझे बहुत देर तक मारते रहे। इतनी ज्यादा मार खाने और इतनी ज्यादा पाबंदियां लगाने के बावजूद भी मैं उससे बात करती रही, उससे मिलती रही और घर वालों से बार बार मारें खाती रही। ऐसे ही हमारे रिश्ते को 7 साल गुजर चुके थे। फिर मैंने उसे बोला कि मेरे घर वाले शायद कभी नहीं मानेंगे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तो हम ऐसा करते हैं कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। फिर उसने मुझे कहा कि हमने जहां इतना इंतजार किया वहां थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, यहां तक कि सारी जिंदगी भी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। फिर एक दिन वो मुझे कॉल करके कहता है कि मेरी मंगनी हो गई है, हो सके तो मुझे भूल जाओ। बस इतना कहकर उसने कॉल बंद कर दी। मैंने बार बार उसे कॉल की लेकिन उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। मैं बहुत ज्यादा पागल हो चुकी थी। बहुत ज्यादा सोचने के बाद उसके घर की तरफ भाग के चली गई। उसके घर जाकर उसकी बहुत ज्यादा मिन्नतें की, बहुत तरले किए, बहुत वास्ते दे डाले, यहाँ तक कि मैं उसके पांव पड़ गई और उसे ये कहा कि प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। वहां खड़े सब लोगों को मेरी हालत पर तरस आ रहा था, मगर वो एक सख्त दिल इंसान था। उसे मेरी हालत पर रहम नहीं आया, वो नहीं माना। और जब मैं वहां से निकली तो एक जिंदा लाश बनकर निकली। अब साल होने को है उसकी जुदाई में। सुना है कि अब उसने शादी कर ली है, पर अब मेरा ये आलम है कि मैं किसी और की नहीं हो सकती। मैं आज भी पागलों की तरह उसके इंतजार में हूं। मैं आज भी उसके प्यार में हूं।